वेलकम टू कैप्टन एच डिफेंस। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का वेलकम करता हूं मैं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। गाइस एक बार जय जवान जय किसान बोल दो सभी। स्टार्टिंग में हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं और अधिक से अधिक सेशन को शेयर कर दो। हम क्या पढ़ रहे हैं, हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हैं जेट ICAR BHU UP KTET और MP PET के लिए। यहाँ पर हॉर्टिकल्चर में हमने पोमोलॉजी स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हमने करीबन 7-8 फ्रूट हमने पढ़ लिए और आपके आते हैं 13 फ्रूट, मतलब 12-13 फ्रूट हैं जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट है अनार, पोमग्रेनेट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन पुटअप होता है एग्जाम के अंदर, तो हम इसको बिल्कुल अच्छे से डिटेल में जानने वाले हैं, बिल्कुल ट्रिकली तरीके से हम इसको जानने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई। आप अधिक से अधिक सेशन को शेयर करें और लाइक जरूर कर दें वीडियो को, और जो लोग चैनल पर नए हैं जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। आप नोटबुक लेकर बैठे नोट करते हुए चले, और साथ में आपको एज ए क्वेश्चन पेपर इसको लेना है, आपको आंसर देते हुए चलना है, कंटिन्यू आपको कमेंट करते रहना है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। अनार, इंग्लिश में इसको पोमग्रेनेट बोला जाता है, और एक कहावत भी है। कहावत क्या है भाई, एक 100 बीमार एक अनार, ठीक है। मतलब अनार अपने आप में एक काफ़ी अच्छा फ्रूट है, जो बीमार होते हैं उन रोगियों के लिए अच्छा माना गया है, क्योंकि इसमें विटामिन होते हैं, अम्ल होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा की मात्रा होती है, तो उनके लिए अच्छा माना गया है अनार को। तो आज हम अनार के बारे में बिल्कुल अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है यहाँ पर कि अनार का बोटनिकल नेम क्या है। तो भाई देखो अनार का बोटनिकल नेम क्या है भाई, कमेंट करें जल्दी से जल्दी। पूनिका ग्रेंटम, क्या है भाई, पूनिका ग्रेंटम अनार का बोटनिकल नेम, वानस्पतिक नेम, साइंटिफिक नेम है। तीन नाम है इसके, साइंटिफिक नेम भी बोलते हैं, वानस्पतिक नेम भी बोलते हैं, बोटनिकल नेम भी बोलते हैं। फैमिली की हम बात करें तो मैंने आपको बताया था पूनिका से आप इसकी फैमिली याद रखोगे, पूनिकेसी। पूनिकेसी क्या है भाई, फैमिली पूनिकेसी है, कमेंट करते रहे भाई जल्दी से जल्दी। चलिए ओरिजिन की बात करते हैं। ओरिजिन में आपके पास ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है इराक, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है ब्राजील, एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास है अमेरिका। अमेरिका, चलो भाई कमेंट करो फटाफट, क्या है ओरिजिन, क्या होगा पोमग्रेनेट का। 10 सेकंड का समय आपके पास है, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए भारत है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास ईरान इराक, और ब्राजील अमेरिका। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ईरान। ईरान में इसका क्या माना गया है भाई, ओरिजिन है, उत्पत्ति स्थान जो है पोमग्रेनेट का अनार का वो ईरान है। अगला क्वेश्चन आता है क्रोमोसोम नंबर, तो इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं भाई, इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं 16 और 18, 2n is equal to 16 18, और इसको बताया था 1976 में स्मिथ ने, किसने, स्मिथ एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने 1967 में क्रोमोसोम नंबर बताए थे अनार में, कितने बताए थे भाई 16 और 18। आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ फ्रूट, किस प्रकार का फल है, तो भाई किस प्रकार का फल है, ब्लूस्टा, क्या है भाई, ब्लूस्टा प्रकार का फल है। खाया जाने वाला भाग, तो क्या खाया जाता है भाई इस फल का, इस फल का एरिल खाया जाता है, क्या खाया जाता है, एरिल हम बोलते हैं। इसके अलावा हम बोलते हैं यहां पर जूसी सीड कॉट, जूसी सीड कॉट, तो खाया जाने वाला भाग याद रखना, पूछा जाता है तो एरिल ऑप्शन में तो आप एरिल लगाओगे, या जूसी सीड कॉट हो तो आप जूसी सीड कॉट लगाओगे। आगे बढ़ते हैं, क्लाइमेट, तो इसके लिए भाई उपोष्ण क्लाइमेट चाहिए, कैसा क्लाइमेट चाहिए, उपोष्ण क्लाइमेट चाहिए। हम बात करें भारत में आगमन, अब देखो जैसे आगमन वाला जो क्वेश्चन होता है ना वो कैसे पूछा जाता है, जिसका ओरिजिन भारत ना हो, जैसे हमने अमरूद का पढ़ा था भाई, अमरूद का क्या पढ़ा था हमने कि अमरूद कब आया भारत में, तो कब आया था भाई अमरूद भारत में, आप लोगों को पता होगा, कमेंट करें आपने अगर वीडियो को अच्छे से देखा है तो। 16वीं शताब्दी में आया था अमरूद, कौन से शताब्दी में आया था, 16वीं शताब्दी में। तो ऐसे ही मैं बात कर रहा हूं कि भारत में आगमन कब हुआ, किसका, अनार का। चलिए ऑप्शन आपके पास है यहां पर, कमेंट करें आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 15वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर बी 16वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर सी 17वीं शताब्दी, और ऑप्शन नंबर डी आपके पास है 19वीं शताब्दी। भाई कमेंट करें फटाफट, अभी कौन सी शताब्दी चल रही है, 21वीं शताब्दी चल रही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई हमारा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 17वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में आगमन हुआ किसका भाई, अनार का, ईरान से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अमरूद का भी याद रखना, अमरूद का कब, 16वीं शताब्दी में। बात करें प्लांट टू प्लांट दूरी कितनी रखेंगे, एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी कितनी रखेंगे, तो भाई कितनी रखेंगे हम यहां पर,
5x5 मीटर रखेंगे, किसी बुक में आपको 6x6 मीटर भी मिल जाएगा, लेकिन आपको डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में ऑप्शन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। अगर क्वेश्चन में आपको 5x5 मीटर दे रखे हैं तो आप 5x5 मीटर लगाओगे, और अगर 5x5 नहीं दे रखे, 6x6 मीटर दे रखा है, तब आप 6x6 लगाओगे। क्लियर हो गया भाई? प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना रखते हैं हम पोमग्रेनेट में? 5x5 मीटर रखते हैं। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर सोइल की बात करें तो भाई इसके लिए सोइल चाहिए काली मृदा। कैसी मृदा चाहिए? काली मृदा चाहिए। और जिसका पीएच मान कितना होना चाहिए भाई, कमेंट करें फटाफट। जिसका पीएच मान होना चाहिए 6.5 से 7.5, इसका पीएच वैल्यू होना चाहिए। बात करें पुष्पक्रम की, तो पुष्पक्रम को क्या बोला जाता है? हाइपेंथोडियम। क्या बोला जाता है? हाइपेंथोडियम। इसका जो फ्लावर जो फॉर्मूला होता है उसको हाइपेंथोडियम बोला जाता है पुष्पक्रम को। आगे हम बात करें प्रवर्धन किससे करते हैं, तो भाई कमेंट करें जल्दी से जल्दी, हम पोमग्रेनेट में अनार में प्रवर्धन की कौन सी विधि अपनाते हैं? तो कौन सी अपनाते हैं भाई? कलम अपनाते हैं, कलम। और इसके अलावा एयर लेयरिंग, एयर लेयरिंग। अब यहां पर एक क्वेश्चन और पुटअप होता है कि जो कलम विधि हम अपनाते हैं तब उस टाइम पे किसमें डुबोकर हम कलम को लगाते हैं, तो किसमें डुबोते हैं भाई? ऑक्सीजन में डुबोते हैं, और ऑक्सीजन में भी किसमें? IBA में। मैंने आपको हार्मोन वाली जो वीडियो पढ़ाई थी, IBA इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, और इसका घोल लेते हैं हम 3000 ppm पार्ट पर मिलियन, इस घोल में हम डुबोकर कलम को लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अम्ल कौन सा पाया जाता है? तो इसमें अम्ल पाया जाता है साइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड। अब कितना पाया जाता है तो ध्यान दो भाई, 0.75 से लेकर 1.5 तक इसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। आगे हम बात करें टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स TSS कितना पाया जाता है अनार के अंदर, तो देखो अनार के अंदर टोटल जो सस्पेंडेड सॉलिड पाया जाता है ये 15 से 20% पाया जाता है। कितना पाया जाता है भाई? 15 से 20%। समझ में आ रहा है भाई आप लोगों को? कंटिन्यू कमेंट करते रहे और बिल्कुल अच्छे से पूरा जो आपका ध्यान है बोर्ड पे होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से आप समझते रहे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कंटिन्यू कमेंट करते रहे और सेशन को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करें भाई, है ना, अधिक से अधिक शेयर करें। कम से कम हमारे पास यहाँ पर 100 स्टूडेंट्स भाई जुड़ने चाहिए, आप सभी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के पास इस वीडियो को पहुंचाए, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉकडाउन के चलते कोचिंग बंद है और लॉकडाउन अभी पता नहीं कहां तक चलेगा, लेकिन हमारा एग्जाम होगा तो हमारी एग्जाम की तैयारी बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए, सभी स्टूडेंट अपनी तैयारी कर पाए। आप इसीलिए सेशन को बिल्कुल अधिक से अधिक भाई शेयर करते रहे। हम बात करें मौसम में मांग, किस मौसम में अनार की सर्वाधिक मांग होती है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, किस मौसम में सर्वाधिक अनार की मांग होती है? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है सर्दी वाला मौसम, सर्दियों में। ऑप्शन नंबर बी है गर्मियों में। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी आपके पास बरसात में। एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास बसंत में। भाई कमेंट करो फटाफट राइट आंसर क्या होगा, किस मौसम में सर्वाधिक अनार की मांग होती है? तो अनार की मांग किस मौसम में होती है भाई? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, समर सीजन में, गर्मियों में। समर में क्या होती है? सर्वाधिक अनार की मांग होती है। फूल से फल पकने में कितना समय लगता है? अनार में जब फ्लावर आते हैं तो उससे फल बनने में, फल को पकने में कितना समय लगता है आपको बताना है भाई यहां पर। ऑप्शन आपके पास है 2 से 3 माह, ऑप्शन नंबर आपके पास है बी 4 से 5 माह, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है 5 से 6 माह, ऑप्शन नंबर डी आपके पास है 10 से 12 माह। भाई कमेंट करो राइट आंसर क्या होगा हमारे पास यहाँ पर, मतलब आम में फूलों से फल पकेंगे तो कितना समय लगेगा, कितना लगेगा भाई? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 5 से 6 महीने लगते हैं, 5 से 6 महीनों में भाई जो अनार है इसका फल पककर रेडी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है फूल से फल पकने में, ये क्वेश्चन हमने देख लिया। रोपाई, रोपाई किस महीने में करते हैं? तो भाई रोपाई करते हैं यहाँ पर हम जुलाई अगस्त में, किस में करते हैं? जुलाई अगस्त में करते हैं, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार लगा लेना अगले पॉइंट पर, किन रोगियों के लिए अच्छा माना गया है अनार, मतलब रोगी के लिए आपको पता होगा कोई भी बीमार पड़ता है, बुखार आ जाता है तो उसके लिए अनार खिलाया जाता है, क्यों खिलाया जाता है, क्या रीजन है ये मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको क्या बताना है, किन रोगियों के लिए अच्छा माना गया है? तो किन रोगियों के लिए माना गया है भाई अच्छा? लोप्रोसाई जो रोगी होते हैं, लोप्रोसाई मतलब समझ लो जिनकी कास्ट डिजीज होती है, अभी समझाता हूं मैं आपको। लोप्रोसाई रोगी,
आपको वहां पर लिखा हुआ मिलेगा ऑप्शन में कि किन रोगियों के लिए अच्छा होता है, वहां पर आपको लोप्रोसाई दिखेगा, तो आप लोप्रोसाई लगाना। अब लोप्रोसाई क्या होता है इसको समझे भाई, ऐसे रोगी जिनको खाने के लिए तरल पदार्थ की एडवाइस दी जाती है कि आप अपने भोजन में क्या खाओ भाई, तरल पदार्थ खाओ, तो उनके लिए एडवाइस दी जाती है कि आप क्या खाओ भाई, अनार खाओ, इसीलिए अनार उनके लिए अच्छा माना गया है। क्लियर हो गया भाई, अनार क्यों खिलाया जाता है, किन रोगियों के लिए, लोप्रोसाई रोगियों के लिए। जंगली अनार को क्या बोला जाता है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, स्टार लगा लेना भाई कमेंट करें, जंगली अनार को क्या बोला गया है, तो क्या बोला जाता है जंगली अनार को, दारू, क्या बोला जाता है भाई, दारू, शराब नहीं है ना, दारू की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। इंग्लिश में भी इसको लिखते हैं डी ए आर यू, दारू, और एक और लिखते हैं इसको हम दारू, इस तरीके से भी लिख देते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सही लगा देना है कि जो जंगली अनार होता है उसको हम दारू बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे सारे के सारे क्वेश्चन। अब इसमें तीन बहार आती है, अंबे बहार, मृग बहार, हस्त बहार। जो मृग बहार होती है ये राजस्थान के लिए अच्छी मानी गई है। ये क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाता है कि राजस्थान के लिए सबसे अच्छी बहार कौन सी है, अंबे, मृग, हस्त या नन ऑफ दिस, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मृग बहार हो जाएगा। चलिए अब इस टेबल के जरिए समझते हैं कि जो अंबे बहार है इसमें फ्लावरिंग टाइम, FT का मतलब क्या याद रखोगे, फ्लावरिंग टाइम मतलब फल, सॉरी फूल कब खिलते हैं। अगला मैंने लिखा है HT मतलब हार्वेस्टिंग टाइम मतलब कटाई कब होती है। आगे मैंने लिखा है इंपोर्टेंस मतलब विशेषता। तो चलिए भाई देखते हैं कि क्या क्या विशेषता है इसकी और क्या क्या इंपोर्टेंस है। मैं बात करूं अंबे बहार, तो अंबे बहार में जो फूल आते हैं वो आते हैं जनवरी फरवरी में। कब आते हैं, जनवरी फरवरी में, भाई दिखाई दे रहा है आप लोगों को, कंटिन्यू कमेंट करें। मैं बात करूं हार्वेस्टिंग की, तो जुलाई अगस्त में हार्वेस्टिंग होती है इसकी, जुलाई अगस्त में क्या होती है, हार्वेस्टिंग होती है अंबे बहार में। इंपोर्टेंस क्या है भाई, जो ये बहार है ना अंबे बहार, इसमें उत्पादन अच्छा होता है मतलब उत्पादन ज्यादा प्राप्त होता है, हाई यील्डिंग, क्या लिखेंगे, HY, हाई यील्डिंग। हम बात करें मृग बहार की, तो मृग बहार में फ्लावर आते हैं जुलाई टू अगस्त। कब आते हैं भाई, जुलाई से अगस्त का जो महीना होता है, जैसे यहाँ पे जिस टाइम पे फल आते हैं ना, वैसे मृग बहार में हमारे राजस्थान में जुलाई अगस्त में क्या आते हैं, फूल आते हैं अनार के अंदर। हम बात करें हार्वेस्टिंग टाइम पे, तो हार्वेस्टिंग भाई करते हैं हम नवंबर से जनवरी तक हार्वेस्टिंग करते रहते हैं, नवंबर से जनवरी तक हार्वेस्टिंग करते रहते हैं। और राजस्थान में जो फ्लावरिंग टाइम है मृग बहार में वो जुलाई से अगस्त है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। हम बात करें इंपोर्टेंस की, तो इंपोर्टेंस इसका क्या है भाई, इसमें क्या होता है कि बीमारियां कीट का प्रकोप अधिक होता है और कम पानी की आवश्यकता होती है, कम पानी की आवश्यकता और बीमारियां कीट अधिक लगते हैं। हम बात करें हस्त बहार की, तो हस्त बहार में जो फूल आते हैं वो सितंबर टू अक्टूबर आते हैं। कब आते हैं भाई, सितंबर टू अक्टूबर आते हैं। और हम बात करें कि कटाई कब होती है, तो भाई इसकी कटाई होती है फेब टू मार्च, मतलब जो अभी जो टाइम निकला है उसमें जो अनार के फल आए थे वो किस बहार के थे भाई, हस्त बहार के थे। और इसकी क्या खास बात है, इंपोर्टेंस की हम बात करें तो इसकी एक खास बात है कि बेस्ट क्वालिटी के जो अनार प्राप्त होते हैं हमें किस बहार से प्राप्त होते हैं, हस्त बहार से। तो मेरे दोस्तों याद रखना, आप अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बेस्ट क्वालिटी के जो अनार प्राप्त होते हैं किस बहार से प्राप्त होते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा वहां पर भाई, हस्त बहार होगा। इसमें हम लिख देंगे बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी। समझ में आ रहा है भाई आप लोगों को सबको। चलिए एक बार वापस से आपको रिवाइज करवा देता हूं फटाफट से, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, अगर आपने नोट किया है तो बहुत अच्छी बात है। कौन कौन बच्चे नोट्स बना रहे हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आप इनको कंटिन्यू लिखते रहे, है ना, नोट्स बनाए, क्योंकि नोट्स इंपॉर्टेंट है। कैसे है भाई इंपॉर्टेंस, हम यहां पर इतना कुछ पढ़ लेंगे दो महीनों के अंदर, मतलब जेट का सिलेबस में आपका दो महीनों से पहले कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि अभी हम हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हैं, मतलब कोई भी डायरेक्शन में हमें चलना है। जैसे यहां पर हम हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हैं, जैसे दो एक दिन में हमारा हॉर्टिकल्चर कंप्लीट हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर के अंदर हम पोमोलॉजी पढ़ रहे थे, फिर हम वेजिटेबल वाला स्टार्ट कर देंगे, फिर फ्लावर वाला स्टार्ट कर देंगे, फिर क्रॉप्स ले लेंगे, सीरियल ले लेंगे, रबी ले लेंगे, जो भी क्रॉप्स आपकी दी हुई है उनको हम कंटिन्यू एक एक करके पढ़ेंगे। और आज के एक महीने बाद कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि आप इनमें से, इस टेबल में से बहुत कुछ चीजें आप भूल जाओगे, तो उस कंडीशन में क्या करोगे भाई आप। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप नोट्स बनाए, नोट्स बनाने से बेनिफिट क्या होगा, अगर आप इसको 8 दिन बाद वापस नोट्स को पढ़ लोगे ना एक बार, तो ये सोच लो आपको परमानेंट तरीके से याद हो गया, आपका आंसर फिर गलत नहीं होगा, क्योंकि चांस ही नहीं रहेंगे। इसलिए आप इनको नोट करते हुए चले, या फिर आप टेक्निकल स्टूडेंट हो तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। चले भाई इसका रिवाइज करते हैं हम फटाफट जल्दी से। और यार सेशन को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करें, और फटाफट चैनल पे आपको 70,000 सब्सक्राइब करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है आपको, और वीडियो को लाइक जरूर कर दे।
बॉटनिकल नेम पुनिका ग्रेंथम, फैमिली पुनिकेसी, ऑरिजन ईरान हो गया, क्रोमोसोम नंबर 16 और 18 हो गए और 1976 में स्मिथ ने बताया था। टाइप ऑफ फ्रूट ब्लूस्टा हो गया, खाया जाने वाला भाग एरिल या जूसी सीड कॉट हो गया। क्लाइमेट उपोष्ण चाहिए, 17वीं शताब्दी में आगमन हुआ और प्लांट टू प्लांट 5x5 मीटर रखेंगे। मृदा चाहिए काली मृदा चाहिए, 6.5 से 7.5 पीएच होना चाहिए। पुष्पक्रम हाइपेंथोडियम बोलते हैं, पुष्पक्रम को प्रवर्धन कलम या एयर लेयरिंग अपनाते हैं, जिसकी जो गुट्टी होती है कलम होती है उसको आईबीएम का जो घोल होता है 3000 ppm का उसमें डुबोकर हम उसको लगाते हैं। अम्ल पाया जाता है साइट्रिक अम्ल 0.75 से 1.5% और TSS जो पाया जाता है 15 से 20% पाया जाता है। किस मौसम में सर्वाधिक जरूरत होती है, मांग होती है तो गर्मियों में होती है। फूल से फल पकने में समय 5 से 6 महीने लग जाते हैं। रोपाई हम करते हैं जुलाई अगस्त में और किन रोगियों के लिए अच्छा है, तो लोप्रोसाई जो रोगी होते हैं उनके लिए अच्छा माना गया है। जंगली अनार को दारू या दारू बोला गया है, दारू बोला गया है। हम बात करें तीन बहार आती है, अंबे बहार, मृग बहार, हस्त बहार। मृग बहार सबसे अच्छी है राजस्थान के लिए और जो अंबे बहार है इसमें फ्लावर आते हैं जनवरी फरवरी में। और हम बात करें हार्वेस्टिंग कब होती है, तो जुलाई अगस्त में हार्वेस्टिंग होती है। इंपॉर्टेंस है हाई यील्डिंग, अच्छी उपज प्राप्त होती है। मृग बहार जुलाई अगस्त में तो फूल आएंगे और नवंबर जनवरी में फल आएंगे। और इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस मतलब एक कमी भी है और इम्पोर्टेंस भी है। कमी क्या है, मतलब कि इसमें कीट बीमारियां ज़्यादा लगती है। हम बात करें हस्तबहार की, तो हस्तबहार सितंबर अक्टूबर में तो क्या आएंगे भाई, इसके फ्लावर आएंगे लेकिन जो कटाई होगी फरवरी टू मार्च में होगी और बेस्ट क्वालिटी के फ्रूट हमें इससे प्राप्त होंगे। तो ये हमारी बहार भी हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्शन की हम बात करते हैं यहाँ पर कि सर्वाधिक प्रोडक्शन कहाँ पर होता है। मैंने तीन कॉलम बनाए हुए हैं, चलिए इसको थोड़ा सा हम समझते हैं, यहाँ पर रफ कर देता हूँ मैं इसको। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप और आपको समझ में भी आ रहा होगा। आप कंटिन्यू कमेंट करते रहे भाई, आपका सिलेबस बिल्कुल टाइम से हो जाएगा, आपका एग्जाम से पहले सिलेबस हो जाएगा और आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है ना। चाहे वो ICR वाले बच्चे हो, यूपी कैडेट वाले हो, पेट वाले हो, JRF, पेट, प्री जेट, जो भी मतलब आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सारा एक एक पॉइंट जो हमारे इंपोर्टेंट हैं, जो क्वेश्चंस पूछा गया है पेपर में, वो सब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। प्रोडक्शन की बात करेंगे तो देखो प्रोडक्शन से तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बात करूंगा, सबसे पहला पॉइंट है मेरा वर्ल्ड का कि विश्व में सर्वाधिक प्रोडक्शन कहां पर होता है, अनार का। ऑप्शन आपके पास है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है ईरान, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है भारत, ऑप्शन नंबर डी आपके पास है जापान। कमेंट करो भाई जल्दी से जल्दी, क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रोडक्शन सर्वाधिक कहां पर होता है भाई, कमेंट करें, सभी बच्चे कमेंट करें, गलत कमेंट करें या सही कमेंट करें, डजंट मैटर है ना, हमें याद होना चाहिए। तो कहां पर होता है भाई वर्ल्ड में, हम बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन होता है इंडिया में, भारत में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करें कि सर्वाधिक भारत के अंदर किस स्टेट में उत्पादन होता है अनार का, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी यूपी एंड ऑप्शन डी राजस्थान। कमेंट करो भाई जल्दी से जल्दी, 10 सेकंड है आपके पास, फटाफट आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि कहां पर सर्वाधिक उत्पादन होता है, कहां पर होता है भाई सर्वाधिक उत्पादन, तो महाराष्ट्र में। कहां पर होता है, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र से एक और क्वेश्चन आपसे घुमाकर पूछ लिया जाता है कि व्यावसायिक अनार की खेती किस राज्य में की जाती है, तब भी आपका राइट आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र होगा, याद रखना, भूल मत जाना है ना। व्यवसायिक, व्यवसायिक मतलब बिजनेस के रूप में भी इसको जिस स्टेट में उगाया जाता है सर्वाधिक वो क्या है भाई, महाराष्ट्र है। और इसे प्रोडक्शन भी सर्वाधिक कहां पर होता है, महाराष्ट्र में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करें भाई राजस्थान की कि राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर उत्पादन होता है, तो कहां पर होता है भाई, बाड़मेर में होता है। कहां पर होता है, बाड़मेर में। इसे सवाई माधोपुर, जयपुर, इनमें सब में अनार को उगाया जाता है, सब अपने अपने घरों में भी लगा लेते हैं क्योंकि छोटी किस्में वाले पौधे भी होते हैं जिनको आसानी से घरों में लगाया जा सकता है और फल प्राप्त किए जा सकते हैं। आई होप आप लोगों ने भी किसी न किसी ने लगा रखे होंगे अपने घर पे। भाई किस किस ने अपने घरों पे अनार लगा रखा है, मतलब कहीं पे भी हम लगा लेते हैं छोटी क्यारी वगैरह बना के, कोई गार्डन वगैरह बना के, ताकि हमें फल मिलते रहते हैं टाइम से। तो भाई चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, हमने बाहर देख ली यहाँ पर और अब हम देखेंगे किस्में, किस्मों की बात करेंगे हम और किस्में बिल्कुल अच्छे से हम ट्रिक से पढ़ने वाले हैं, सारी किस्में हम याद कर लेंगे फटाफट। भाई आप कंटिन्यू कमेंट करते रहे और सेशन को बिल्कुल अधिक शेयर करें, है ना, हम सारे फ्रूट एक दो दिन में कंप्लीट कर लेंगे। आपके 13 फ्रूट दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, 13। किस्में, आप किस्में कमेंट करें भाई, सबसे पहले किस्में कमेंट करें कि कौन कौन सी किस्में हैं, फटाफट कमेंट करें।
किसमें? सबसे पहली किस्म आती है हमारे पास जालोर सीडलेस, जालोर सीडलेस। जो जालोर जो सीडलेस किस्म है ये सूखा प्रतिरोधी किस्म है, मतलब सूखा सहनशील किस्म है, सारी भूमि के लिए अच्छी है और राजस्थान के लिए अच्छी है। क्या लिखेंगे भाई? सूखा सहनशील है, एक तो सूखा सहनशील और सारी भूमि के लिए अच्छी है। दूसरी तीसरी बात क्या है इसकी कि राजस्थान के लिए अच्छी है, राजस्थान में इसको उगाया जाता है। जालोर सीडलेस हो गई। अगली आती है हमारे पास दूसरे नंबर की गणेश, गणेश या गणेश भी आपको मिल जाएगा, गणेश गणेश सॉरी गणेश। जो गणेश किस्म है ये महाराष्ट्र के लिए अच्छी है, मतलब महाराष्ट्र की प्रचलित किस्म है, महाराष्ट्र की प्रचलित प्रचलित किस्म है, याद रखना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे आती है हमारे पास जालोर सीडलेस गणेश, इसके अलावा आती है कांधारी, कांधारी बिल्कुल आपको ट्रिक से याद करवा दूंगा, है ना, पहले हम एक बार देख लेते हैं, बिल्कुल सब अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूं। कांधारी जो किस्म है हिमाचल प्रदेश के लिए अच्छी है, हिमाचल प्रदेश में इसी किस्म को उगाया जाता है और यह है एक विदेशी किस्म है, हमारे भारत की नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगली किस्म आती है हमारे पास यहां पर ढोलका, कौन सी आती है? ढोलका आती है, फोर नंबर पे ढोलका है और ढोलका गुजरात की प्रचलित किस्म है, गुजरात की प्रचलित किस्म। देखो आप इन किस्मों को बिल्कुल अच्छे से याद रखें, देखो बहुत सारी किस्में होती है, मैं आपको वही किस्में बता रहा हूं जो आपके क्वेश्चन, जहां से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि महाराष्ट्र की प्रचलित किस्म कौन सी है तो आप गणेश लगाओगे, आपसे पूछा गया गुजरात की प्रचलित किस्म कौन सी है तो आप ढोलका लगाओगे, आपसे पूछा गया हिमाचल में किस किस्म को उगाया जाता है तब आप कांधारी लगाओगे, राजस्थान के लिए सबसे अच्छी किस्म कौन सी है तब आप जालोर सीडलेस लगाओगे। इस तरीके से याद करें, इस तरीके से आपके क्वेश्चन यहां से पुटअप होते हैं। ढोलका देख लिया हमने, इसके बाद में अगली किस्म आती है जोधपुर रेड, जोधपुर रेड। और जो जोधपुर रेड है राजस्थान की सूखा सहनशील किस्म है, कैसी है भाई? सूखा सहनशील किस्म, सूखा सहनशील किस्म। इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि इसमें फल फटते हैं, फल फटते हैं मतलब फूट क्रैकिंग। अब जो अनार में जो फूल ऐसे क्रैक हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो किसकी कमी से होता है भाई? ये बोरोन की कमी हो जाती है, बोरोन की कमी की वजह से क्या होते हैं भाई, फल फटने लग जाते हैं। तो याद रखना जोधपुर रेड जो किस्म है सूखा सहनशील किस्म है, मतलब देखो ऐसे तो जो अनार है ना, जितने भी अदर हमारे फ्रूट हैं उन सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है इसको, इसलिए एक तरीके से हम इसको सूखा सहनशील फल भी बोलते हैं। तो याद रखना है, क्वेश्चन आपसे कई बार पुटअप कर लिया जाता है। जोधपुर रेड सूखा सहनशील किस्म हो गई, फल फटते हैं बोरोन की कमी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली किस्म आती है पेपर, पेपर सेल सिक्स नंबर पे, पेपर सेल और भी है यहां पर, ज्योति भी है हमारे पास, ठीक है, पेपर सेल है, ज्योति है और गणेश है, अभी गणेश मैंने आपको ऊपर लिखवा दी। इन तीनों किस्में जो हैं ये सॉफ्ट मुलायम किस्म है, मुलायम दानों वाली किस्म है, मुलायम दानों वाली किस्म है। दूसरी खास बात क्या है भाई, दानों वाली किस्म है। इसके अलावा P26 किस्म है और एक और हमारे पास किस्म है वो है G137। एक किस्में जो है मुलायम किस्में हैं और अदर किस्में हमारे पास P26, G137। तो ये हमारी किस्में हो गई, इनमें से कुछ हो सकता है, जो बहुत सारी किस्में मैंने आपको बता दी यहाँ पे 6-7 किस्में। तो याद कैसे करें? तो याद करेंगे भाई, देखो ट्रिक हम देखते हैं यहाँ पर, ट्रिक जय जय गणेश का ढोलक ज्योति पर, जय जय गणेश का ढोलक ज्योति पर, किस पर भाई? ज्योति पर। तो ट्रिक एक बार बोलो मेरे साथ, ट्रिक बोलो, जय जय गणेश का ढोलक ज्योति पर, क्या याद रखोगे? जय जय गणेश का ढोलक ज्योति पर। जय मतलब जालोर सीडलेस, जोधपुर रेड, गणेश एक किस्म है इसे, का मतलब कांधारी, ढोलक एक किस्म है, ज्योति भी एक किस्म है, और प से पेपर सेल, और जो र है इसका मतलब हमारे पास यहां पर र से हमारी कोई किस्म नहीं है ना, र से हम बिल्कुल याद नहीं रखेंगे, ज्योति पर। इस तरीके से हमने ट्रिक बनाई हुई है, ट्रिक क्या है? जे जे गणेश का ढोलक ज्योति पर, जे मतलब क्या हो गया? जालोर सीडलेस, जोधपुर रेड, गणेश, कांधारी, ढोलक और ज्योति और पेपर सेल।
ठीक है, पेपर सेल, पर पेपर सेल इस तरीके से याद रखोगे, पर मतलब पेपर सेल याद रखोगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारी नॉर्मल किस्में हो गई। अब हम बात करेंगे भाई संकर किस्मों की। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको, मुझे कंटिन्यू आप कमेंट करते रहे, ठीक है। और इसके अलावा आप लाइक कर दें वीडियो को फटाफट, अधिक से अधिक शेयर करें सेशन को, बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करते रहे भाई, जल्दी से जल्दी शेयर करें। आगे हम बात करते हैं संकर किस्मों की। संकर किस्में, हाइब्रिड वेराइटीज, किसकी संकर किस्में भाई? अनार की संकर किस्में हम यहां पर पढ़ रहे हैं। सबसे पहले किस्म आती है मृदुला। मृदुला किस किसके क्रॉस से बनी है भाई? गणेश का क्रॉस करवाया गुल ए सासे, गुल ए सहा का क्रॉस, सॉरी गणेश का क्रॉस किससे? गणेश क्रॉस गुल ए सहा। तो याद रखना है एक संकर किस्म है गुल ए सहा, और इसका जो एक तरीके से अंदर का जो बीज वगैरह होते हैं वो काफी ज्यादा लाल रंग के होते हैं, लाल रंग, लाल रंग। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगली किस्म आती है रूबी। ये संकर किस्में हैं मृदुला, रूबी, और जो रूबी किस्म है ये बनी है हमारे पास गणेश, काबुल और एरकॉर्ड। गणेश का क्रॉस गणेश, क्रॉस काबुल, क्रॉस एरकॉर्ड। इन तीनों के क्रॉस से कौन सी किस्म बनी है भाई? रूबी किस्म बनी है, याद रखना। और इसको डेवलप किया है IIHR बेंगलोर द्वारा, IIHR बेंगलोर द्वारा इस किस्म को विकसित किया गया है, याद रखना। अगली थर्ड नंबर की जो किस्म आती है हमारे पास वो आती है अमलीदाना। अमलीदाना, और अमलीदाना जो किस्म बनी है ये बनी है गणेश क्रॉस नन्ना से, गणेश क्रॉस नन्ना से। और इसको भी किसने विकसित किया है भाई? इसको भी विकसित किया है इसने IIHR ने, और यह एक बोनी किस्म है। अगर आपसे पूछा जाए कि बोनी किस्म, निम्नलिखित में से बोनी किस्म बताओ, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? अमलीदाना हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से सघन किस्म बताओ, तब भी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? बोनी दाना हो जाएगा, क्योंकि ये सघन भी है और बोनी भी है। बोनी है इसीलिए सघन है, इस सघन है इसको हम ज्यादा लगा सकते हैं, मतलब हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए इसको हम काम में लेते हैं। तो ये हमारी किस्में हो गई भाई। इसके अलावा एक और आपसे एक अलग तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से अनार की कठोर किस्म कौन सी है और निम्नलिखित में से अनार की सॉफ्ट किस्म कौन सी है। तो चलिए भाई देख लेते हैं, हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। मैं बात करूं कठोर किस्में, मतलब जो काफी ज्यादा कठोर है, जिनके दाने कठोर होते हैं, और एक किस्म होती है जिनके दाने कैसे होते हैं भाई? सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, मुलायम, ठीक है। कठोर किस्में हमारे पास यहाँ पर कांधारी, अलंदी, कांधारी और अमलीदाना, कांधारी और अमली दाना, ये कठोर किस्में हैं। और बात करें सॉफ्ट की, तो सॉफ्ट है ज्योति गणेश पेपर सेल, ज्योति गणेश और पेपर सेल। आई होप आपको याद हो गई होगी। देखो सारी किस्में बिल्कुल अच्छे से याद करें, हो सकता है आपने किस्में याद नहीं की, और अगर क्वेश्चन किस्मों से पूछ लिया गया तो फिर हमारी जो वीडियो थी जो हमने देखा था कोई मतलब नहीं रहा उसका। इसलिए आप बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल एंड तक जरूर देखें। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आगे हम बात करेंगे इंसेक्ट और डिजीज की। यहां पर देखो जो कोई भी क्रॉप होती है तो उसमें इंसेक्ट कम से कम बहुत सारे इंसेक्ट लगते हैं, डिजीज भी बहुत सारी लगती है। लेकिन यहां पर मैं आपको वही डिजीज, वही इंसेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, जहां से हमारा क्वेश्चन पुटअप होता है। इसके अलावा मैं आपको बिल्कुल डिटेल में डिजीज और इंसेक्ट बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा, जैसे हमारा हॉर्टिकल्चर का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। डिटेल में पढ़ेंगे तो उससे फायदा क्या होगा कि आप पहचान भी सकते हो कोई डिजीज लगी हुई है, अगर आपको फील्ड में ले जाया जाए, बाग में अगर आपको ले जाया जाए, तो आप वहां पे पहचान सकते हो कि हाँ इसमें ये वाले डिजीज है, ये वाला इंसेक्ट लगा हुआ है। इस तरीके से मैं आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ा दूंगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। हम यहां पर सिर्फ बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज और इंसेक्ट की। तो चलिए भाई इसको रफ कर देते हैं और हम हेडिंग डालो भाई। हेडिंग क्या डालोगे? डिजीज एंड इंसेक्ट। पहले हम इंसेक्ट पढ़ेंगे उसके बाद में डिजीज, एक एक दो दो इंपॉर्टेंट है तो देख लेते हैं भाई फटाफट से जल्दी से। हम अनार की तितली लगती है, कीट की हम बात करें, कीट, तो कीट में सबसे प्रमुख जो कीट है वो है अनार की तितली, अनार की तितली, पॉमग्रेनेट बटरफ्लाई, पॉमग्रेनेट बटरफ्लाई, ये सबसे प्रमुख कीट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा हो कि अनार का सबसे प्रमुख कीट, प्रमुख कीट, ठीक है, अनार का प्रमुख कीट कौन है भाई? तितली है, अनार की तितली है।
अभी तितली क्या करती है भाई, जो पत्तियां वगैरह होती है उनसे रस चूसती है, और रस चूसने की वजह से क्या होता है, पत्तियों धीरे धीरे पीले पड़ने लगेगी और पत्तियां धीरे धीरे क्या होगी, सूखने लग जाएगी। प्रमुख कीट है। कंट्रोल किससे करेंगे भाई, कंट्रोल तो कंट्रोल हम करेंगे डाइमेथोएट से। किससे करेंगे, डाइमेथोएट लेंगे, डाइमेथोएट, और कितना लेंगे, 1 ml। 1 ml को कितने लीटर पानी में डालना है भाई, 1 लीटर पानी में हम डालेंगे। और क्या कर देंगे भाई, स्प्रे कर देंगे, और स्प्रे हम 15 से 20 दिन के अंतराल में करेंगे ताकि फटाफट से इस पर कंट्रोल हो जाए। इसके अलावा दूसरा कीट लगता है तनाछेदक, अनार की तितली हो गई, दूसरा आता है तना छेदक। अब देखो तनाछेदक क्या करता है, जो छाल होती है ना अनार की, उस छाल के अंदर से सुरंग बनाता है। क्या बनाता है, सुरंग। सपोज करो ये है तना, ये बना ली सुरंग, इसने क्या बनाई भाई, सुरंग बना ली इस तरीके से। अब जैसे ही सुरंग बनाएगा तो क्या होगा भाई, आवागमन कम हो गया, जिसकी वजह से कभी धीरे 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 यहाँ से पौधा कमजोर होने लगेगा, और हो सकता है पौधा गिर भी जाए या वो शाखा टूट जाए, कमजोर हो जाए, सूखने लग जाए धीरे धीरे। हो सकता है किसी शाखा में लग रहा हो, जरूरी नहीं तने पे, ठीक है ना। जैसे ये पौधा है तो यहाँ से इस शाखा पर भी यहाँ पे सुरंग बना सकता है, यहाँ से भी सुरंग बना सकता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है भाई, तना छेदक है और तने में छेद करता है। अब जब ये छेद करता है तो कंट्रोल कैसे करेंगे भाई, बिल्कुल आसान तरीके से हम इसका कंट्रोल करेंगे, आसान तरीके से कैसे, जो केरोसिन आता है, केरोसिन मिट्टी का तेल, थोड़ा सा मिट्टी का तेल लेंगे 2 से 5 ml के आसपास, और क्या करेंगे इसमें डाल देंगे, जहाँ जहाँ भी छेद है ना, जहाँ जहाँ सुरंग है उस सुरंग में हम क्या करेंगे, मिट्टी का तेल डाल देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, मिट्टी के तेल से भाई कंट्रोल हो जाएगा तना छेदक का। तो ये 2 कीट थे जो मैंने आपको बता दिए। अब हम बात करते हैं डिजीज़ की, कि रोग कौन कौन से लगते हैं भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप मुझे कंटिन्यू कमेंट करते रहे और सेशन को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करते रहे। बात करते हैं हम रोग, कीट, बीमारी, बीमारी और प्रमुख बीमारी है इसकी, प्रमुख बीमारी है बैक्टीरियल ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लाइट। इसको और क्या बोला जाता है भाई, झुलसा रोग बोला जाता है, झुलसा रोग। और ये होता है कवक के द्वारा, किसके द्वारा होता है, सॉरी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बैक्टीरिया का नाम हमारे पास है जेंटोमोनास एक्सोनोपोडिस, क्या है भाई, जेंटोमोनास एक्सोनोपोडिस है, और ये सबसे खतरनाक बीमारी है, किसकी, अनार की। अगर आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जाए कि अनार की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, बैक्टीरियल ब्लाइट हो जाएगा, झुलसा रोग हो जाएगा। अब देखो इस रोग में होता क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले तो धीरे धीरे इस रोग के मतलब बैक्टीरिया के प्रकोप से पत्तियों के ऊपर भूरे और काले रंग के क्या होंगे भाई, समझना। जैसे सपोज करो ये अनार की पत्ती है, ठीक है, अब इस अनार की पत्ती पे ये वाले भूरे भूरे कलर के और काले से धब्बे नजर आएंगे, भूरे व काले रंग के धब्बे नजर आएंगे, क्या नजर आएंगे, धब्बे। अब देखो ये थोड़े से तेल जैसे लगते हैं, कैसे जैसे लगते हैं, जैसे कि तेल का धब्बा हो गया हो, तो इसको महाराष्ट्र में तेलीय रोग के नाम से भी जाना जाता है, या तेलिया रोग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तेलिया रोग। तो आपसे पूछा जा सकता है कि तेलिया रोग, तो वहां पर आप कंफ्यूज मत होना, याद रखना कि बैक्टीरियल जो ब्लाइट होता है उसी को तेलिया रोग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, तेल जैसे धब्बे दिखते हैं इसमें हमें ब्लैक कलर के, और कहां पे बोला जाता है, महाराष्ट्र में बोला जाता है भाई, इंपॉर्टेंट है याद रखना। इसके अलावा नोडल ब्लाइट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नोडल ब्लाइट। चलिए बात करते हैं कंट्रोल की, कंट्रोल कैसे करेंगे भाई, कंट्रोल के लिए केप्टान लेंगे, क्या लेंगे, केप्टान। और केप्टान का हमें स्प्रे करना है कितना, 0.5% का हम क्या करेंगे, स्प्रे कर देंगे, जिससे इस रोग में क्या हो जाएगा भाई, कंट्रोल हो जाएगा। अगली डिजीज आती है हमारे पास यहां पर, अगली डिजीज पत्ती मोड़क, कौन सी आती है, पत्ती मोड़क बरूती भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, बरूती रोग भी इसको बोला गया है। और इस रोग में क्या होता है, पत्ती धीरे 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 मुड़ने लगती है, पत्ती क्या होगी, धीरे धीरे मुड़ेगी, और पत्ती मुड़ने की वजह से क्या होता है, आप मुझे बता सकते हो, समझ सकते हो। सपोज करो अगर कोई पत्ती पूरे ऐसे इस तरीके से है, तो फोटोसिंथेसिस प्रॉपर होता रहेगा, क्योंकि क्या होगा, डायरेक्ट किरणें सारी की सारी पत्ती पे आ रही है, तो फोटोसिंथेसिस होता रहेगा। लेकिन ये धीरे धीरे अगर ऐसे मुड़ जाए सपोज करो, तो क्या फोटोसिंथेसिस होगा, क्या फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, कम होगा पहले की अपेक्षा, जिसकी वजह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस जैसे ही कम होता है तो पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है, पीला पड़ने लगता है। ये इस रोग के सिम्टम्स है, पत्ती मोड़क है। चलिए भाई बात करते हैं इसके कंट्रोल की,
कंट्रोल की। तो कंट्रोल कैसे करेंगे, इरेथियोल से करेंगे। किससे करेंगे, इथियोल से। इथियोल 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से हमें क्या करना है, सॉल्यूशन बना के स्प्रे कर देना है। सॉरी, 1 से आप यहाँ पे 2 ml लिखो, ठीक है ना। 2 ml प्रति लीटर पानी में हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे और स्प्रे करेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा भाई, अनार को पढ़ लिया, बिल्कुल अच्छे से हमने अनार को पढ़ लिया। अनार में हमने किस्में देख ली, इसके अलावा हमने इसके रोग देख लिए, कीट देख लिए, और आगे इसका बेसिक इंट्रोडक्शन जो आधार कार्ड था वो हमने इसका बना लिया है। तो आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करें, उसका आंसर आप लोगों को दिया जाएगा। तो गाइज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और यार अधिक से अधिक शेयर किया करो वीडियो को, अधिक से अधिक शेयर किया करो, सभी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान जय किसान जय हिंद।